तो भाई ये है ग्रैंड मर्करी का होटल, ये तो 2 BHK से बड़ा ही अपार्टमेंट भाई। तो ये इसका लिविंग रूम है, तो यहाँ पे बेड वेड है और चेयर है, टीवी है और फोन रखा हुआ है, यहाँ पे चार्जिंग केबल सब जगह पे है और मस्त है, बैठने का बहुत सही है, कंफर्ट बहुत ज़्यादा है इनका, अच्छा है। फिर एक बाथरूम इधर है यहाँ पे, तो एक ही बाथरूम है यहाँ पे, ये रखने के लिए सामान, और ये काफ़ी सही बना रखा लुक दरवाजे का। एक इधर है बाथरूम और ये पूरा जकूजी बना रखी है भाई पूरी। एक रूम इधर है, एक टीवी इधर है, फोन भी है इधर, तो काफ़ी अच्छा बना रखा है देखा जाए तो, बहुत सही लगा मेरे को। इट्स टोटली वर्थ द प्राइस, 10,000 पर नाइट का है इसका, बट बहुत सही बना रखा है। सो ये है ग्रैंड मर्करी, आप इधर आ रहे हैं अगर शियान में तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं फॉर श्योर, दिस इज़ एब्सोल्युटली गुड चॉइस। बस निकलने वाला हूँ शंघाई के लिए, मेरी फ़्लाइट है शियान से, शियान एयरपोर्ट से लेके शंघाई 2 घंटे में पहुँच जाएगी, 12 बजे की फ़्लाइट है। बस अब मैं निकलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट कैसे जाना है। और फ़्लाइट के अंदर एयर चाइना मैंने लिया है, एयर चाइना यहाँ पे बहुत नॉर्मली चलती है, मोस्टली यही चलती है एयर चाइना और एक दो और हैं, बट दिस इज़ गुड वन। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको फिर बाहर ले आके। तो भाई शियान से मैंने शंघाई के लिए चेक इन कर लिया एयरपोर्ट पे, भाई बहुत तगड़ी चेकिंग हो रही है आज, ऐसे चेक किया उसने ऐसे पता नहीं कौन सा बॉम्ब ले आ रहे हैं, खतरनाक वाला चेक इन। एयरपोर्ट तो सही है, मतलब इंटरनेशनल सारे एयरपोर्ट पे इतनी चेकिंग होती है। तो भाई एक ये लॉन्ज है यहाँ पे, इसका नाम है फर्स्ट क्लास एंड गोल्ड कुछ करके लॉन्ज है इसका नाम, नाम तो बहुत बड़ा है बट बहुत छोटा लॉन्ज है, मतलब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं और थोड़ा बहुत खाने के लिए रखा हुआ, कुछ नहीं है। तो बहुत छोटा है अभी तक का, सबसे छोटा है जबकि शियान में है भाई। बोर्डिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स तो क्या बोलूँ, अगर आपके पास जैसे एयर चाइना है, एयर चाइना स्टार एयरलाइंस के मेंबर है, तो अगर आपके पास गोल्ड मेंबरशिप है या फिर बिजनेस और इलाइट मेंबरशिप है, तो आप तो प्रीमियम लाइन में लग सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर आपको नॉर्मल लाइन में लगना पड़ेगा जो कि है कम से कम 50 से 100, कम से कम इतनी कम से कम होगी, इतनी बड़ी। तो कम से कम आपको 1 घंटा लग जाएगा ऑलमोस्ट वहाँ पे। तो मेरे पास तो गोल्ड मेंबरशिप थी उसकी, स्टार एयरलाइंस की, तो मेरे को तो बहुत जल्दी मिल गया, ठीक है। तो ये देख लेना और कम से कम 2 घंटे पहले आना, क्योंकि बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में, शंघाई में हो गया और शियान में भी भीड़ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनेशनल है, फिर भी है कोई डोमेस्टिक वोमेस्टिक कुछ नहीं है, सिर्फ एक है। इसके अंदर 3 टर्मिनल बने हुए हैं, एक टर्मिनल 1 है 2 है और 3 है, तो यहीं से उड़ती हैं सारी फ्लाइट है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे कुछ भी हो। तो चेकिंग बहुत फाड़ू है भाई, बहुत चेकिंग इज़ लाइक ख़तरनाक वाली भाई, पूरा आपके नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ चेक करेंगे, जैकेट के अंदर, जूते के नीचे, ऊपर पैंट के अंदर, मतलब सब कुछ भाई। और इवन जैकेट पहननी है तो हटानी पड़ेगी, तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो भाई यहाँ पेप्सी है, ये मिलेगा, अभी फ़िलहाल पेप्सी से काम चलाते हैं, कोक भी नहीं रखी भाई यहाँ पे, तो
बाहर डियोर वगैरह सब ब्रांड्स के शोरूम्स बने हुए हैं, तो आप कुछ भी खरीद सकते हो बाहर से। इतना सा स्पेस है भाई इसका, सिर्फ देखना, ये पीछे रिसेप्शनिस्ट है और बस ख़त्म। छोटा है ना काफ़ी। देखो आप अगर फ्लाइट पहले ही करा लोगे तो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट आप जैसे 8 घंटे लग रहेंगे, कम से कम 7.5 से 8 घंटे लगेंगे शंघाई जाने के लिए यहाँ से बुलेट ट्रेन में, और 2 घंटे में आप पहुँच जाओगे फ्लाइट से शंघाई शियान से। तो आप फ्लाइट ले सकते हो, 10,000 तक कम से कम पड़ेगी, क्योंकि 22 किलो का बैगेज वगैरह भी रहेगा, तो इस वजह से। और यहाँ पे आप प्रायोरिटी पास का यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास कोई कार्ड है इसका प्रायोरिटी पास है इसमें, तो वो यूज़ कर सकते हो आप प्रायोरिटी पास को। भाई टीवी तो मैंने भी नहीं खोल के देखी बाहर, देखो पूरा चाइनीज में चलता रहता है कुछ ना कुछ, मतलब 1 महीने से मैंने कोई टीवी खोल के नहीं देखी है, क्या है देखना ये भी है। वेजिटेरियन, आप वेजिटेरियन हो तो ये मिलेगा भाई, यही है बस खाने के लिए अपने पास। चलो मैं आपको बस इसको फिनिश करके दिखाता हूँ बाहर का क्या। तो गाइस आपके पास गोल्ड अलायंस की मेंबरशिप है, तो देखो मैंने कितनी बड़ी लाइन क्रॉस कर दी, 100 बंदे खड़े थे मेरे पीछे, मैं 2 मिनट लगे चेक इन करने में मेरे को। तो अब एयर चाइना, एयर चाइना भाई मेरे को बहुत सही लगी एयर चाइना की इकनॉमी जो क्लास की वो है बहुत सही है, तो फॉर श्योर इट्स अमेजिंग। शंघाई एयरपोर्ट में छोटा सा एयरपोर्ट है भाई, तो मैंने सोचा था बड़ा होगा काफ़ी। सही रही, 2 घंटे लगे वहाँ से आने में शियान से यहाँ पे, फ्लाइट सही है टाइम पे उतारा है, ऐसे नहीं कि टाइम पे नहीं उतारा है। अब बैगेज लेना पड़ेगा यहाँ से भाई, इतना बड़ा मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही छोटा लग रहा है मेरे को तो फिलहाल, अब पता नहीं ऊपर जाके कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है। बैगेज क्लेम, तो बैगेज क्लेम क्या है आगे है, तो शायद वहाँ पे जाना पड़ेगा बैगेज क्लेम करने।
ओवरपेट तो लग रहा है अभी काफ़ी बड़ा है, बट सही डिज़ाइनिंग अच्छी कर रखी है, पूरे नीचे मैट वैट लगा रखे हैं, पूरे बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सही लग रहा है। भाई इसका अराइवल गेट ही नहीं आ रहा तब से, इतने कितने दूर बना दिया देखना, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा होने वाला, अभी तो चल ही रहा है, इससे बढ़िया तो ये बग्गी ले लो। तो भाई 38, तो भाई 38 नंबर पे है अपना बैगेज क्लेम का, शायद से देखना पड़ेगा ये है कि नहीं है। हाँ 8326 ही है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट किया जाएगा। हाँ काफ़ी देर से बैग लेके घूम रहा हूँ भाई मैं, बैग इतना भारी हो गया है। बैग उठाने के बाद बनाता हूँ दोबारा से। भाई बैगेज मिल गया, अब मेट्रो के लिए जाना है लाइन 2 में एयरपोर्ट से। पहले शायद से इमिग्रेशन नॉर्मल से पास करना पड़ेगा, शायद सिक्योरिटी चेक डोमेस्टिक, उसके बाद जाना पड़ेगा। तो मेट्रो की लाइन 2 लेनी है मेरे को, यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा कम से कम, मेरे को यहाँ से 1.5 घंटा लगने वाला है। लाइन 2 चेंज करनी है और एक पिंक लाइन लेनी है, फिर मैं अपने होटल पहुँच जाऊँगा। काफ़ी देर में आया बैग, क्योंकि जो पहले उसमें डालेगा बैग को लाइक एयरप्लेन में, वो लास्ट में ही आएगा उसका। तो ये इसका एग्जिट एरिया है। भीड़ तो ऐसे लग रही है यहाँ पे जैसे पता नहीं किसको देखने बैठे हैं। तो एयरपोर्ट जो मेट्रो है वो सामने है, लिखा ना मेट्रो, तो पहले टिकट लेना पड़ेगा इसका। चलो टिकट देखते हैं पहले। मैगलेव, हाँ यहाँ से मैगलेव भी चलती है भाई, मैं दिखाता हूँ आपको अगर वो चल रही है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ से मैगलेव भी चलती है और मेट्रो भी चलती है। अब ये नहीं पता कि मैगलेव कहाँ तक चलती है और मेट्रो कहाँ तक चलती है, देखना पड़ेगा। और दोनों के अलग अलग हैं जाने के रास्ते, मैगलेव का तो सामने है सीधा, मेट्रो का इधर दिखा रहा है, कहीं वो थोड़ी सी दूर जाए और फिर मेरे को चेंज करनी पड़े दोबारा से। चलो देखते हैं क्या सीन है। तो भाई यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी यहाँ से, और यहाँ से मैगलेव वर्क करती है, ये जाएगी लुंगयांग रोड तक, वहाँ से फिर मेट्रो लेनी पड़ेगी दूसरी लाइन चेंज करके। तो आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज करनी है। सिक्योरिटी गो थ्रू करना पड़ेगा भाई दोबारा से। चलो
रहा हूँ। टैप करना है इसको और ये है कार्ड, वो ये सेम कार्ड तो सेम ही है, खैर कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीड में देखते हैं कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे दो चलती हैं, मतलब एक चलती है 300 किलोमीटर पर आवर की और 450, मतलब कि नॉर्मल उसका जो रहता है वो 300 ही है, बट 450 मैक्सिमम जाता है, जो कि कभी कभी चलता है किसी किसी टाइम पर, हर टाइम पर नहीं चलेगा। तो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए वाली ली है क्योंकि मेट्रो भी ले सकता था, बट मेट्रो आपको दिखाएंगे कैसे कि फास्टेस्ट मेट्रो क्या है चाइना की। तो ये देखो, तो यहाँ से एंट्रेंस इसकी, पता नहीं कितनी स्पीड आती है कि नहीं आती है। तो मैं अगले प्लेटफॉर्म ए पे है, जो इसका मेरे को प्राइस पड़ा होता है 50 RMB है वैसे नॉर्मल, बट अगर आपके पास बोर्डिंग पास है एयरपोर्ट से आ रहे हो तो 40 RMB है सर, जो कि बहुत सही प्राइस है। अब देखते हैं कितनी देर में बचाती है। ये भी है उसमें भाई, रिसिप्ट लग रही है, और शायद कहीं भी बैठ सकते हैं। ओके, अंदर से तो नॉर्मल दिखती है ये। डिसअपॉइंटमेंट है ये नंबर की, 300 भी क्रॉस नहीं किया इसने, बेकार, मज़ा नहीं आया। स्पीड तो काफ़ी है मेट्रो के हिसाब से, बहुत तेज़ स्पीड है इसकी, बट अगर 300 भी क्रॉस नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा है इसका। तो अगर मेट्रो के हिसाब से देखा जाए ना तो सही है, क्योंकि अगर इंडिया में अगर इतने में चलने लगी है, बट हमारे यहाँ पे क्या है बेसिकली बहुत ज़्यादा वो है, स्टॉपेज ज़्यादा है, अगर स्टॉपेज कम हो तो भाई सही है फिर उस हिसाब से। तो लोग कितने हैं भाई, अभी निकलेगी थोड़ी देर में। वही भाई, दोबारा से कार्ड वहाँ पे स्वाइप करना है और लगेज इस बार चेक नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी चेकआउट कर लिया लगेज। तो ये लोंगयांग स्टेशन है, तो यहीं तक सिर्फ ये चलती है मैगलेव, इसके बाद यहाँ से मेट्रो पकड़नी पड़ेगी लाइन टू में। बारिश हो रही है भाई, बाहर पूरी तेज में, क्या बोल रहा है तो कुछ समझ नहीं आता। ओके, this one, hello, this one you need, yes sir, then tap, no tap, yes sir, oh we have it, okay, sisi thanks, to bhai tap nahi kar raha, insert karna hai, dekh hi nahi raha tha kahan pe karna hai, line 2 yeri, okay, ab metro se dobara khareedni padegi ticket, okay, isko bolte hain टिकटिंग मेरा।
ओके हाय Yeah. Take a subway. Yeah. Metro. Oh. Yeah. Downstairs. How much? Ticket. Oh. Downstairs. Another building. भाई नीचे से लेनी है क्या? ओके नीचे ये है मैगलेव टिकट का है तो यहाँ से अगर आपको दोबारा से पुडोंग एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हो. ये भी बंद होने वाला है भाई. तो भाई ये यहाँ से मैंने ली पिंक लाइन अभी और इसके बाद मेरे को रुकना है CPC में जहाँ जैसे 6 मिनट दूर है यहाँ से और फिर मैं अपने होटल पहुँच जाऊँगा. काफ़ी सिंपल है सारा का सारा प्रोसेस. तो ये मेरे होटल का एरिया है. काफ़ी सही है भाई. ये पुलमैन स्काई वॉक करके तो ये मेन सेंटर सिटी में है. बहुत क्लोज़ है काफ़ी लोकेशन के मेन अट्रैक्शन से काफ़ी क्लोज़ में है.